हेलो स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा था, कल हमने शुरू करा था इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो कल हमने ट्रांसमिशन लाइन के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, कितने टाइप की होती हैं, ठीक है, और क्या क्या स्पेसिफिकेशन होती है उनकी। ठीक, कितनी लंबाई होती है, कितना वोल्टेज होता है, और कौन से पैरामीटर उसमें कौन कौन सी लाइन में कंसिडर किए जाते हैं। तो तीन टाइप की लाइन पढ़ी थी हमने, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो हमने देखा था कि हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई जो थी कितनी थी, 50 किलोमीटर तक थी, और उसका वोल्टेज 20 किलो वोल्ट से कम था। ठीक, या 20 किलो वोल्ट तक ही मान लो, या उससे कम थी। तो उसमें हम कैपेसिटेंस को कंसिडर नहीं कर रहे थे, केवल रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस लाइन पैरामीटर को कंसिडर कर रहे थे। उसके बाद मीडियम ट्रांसमिशन लाइन थी, उसमें क्या था हमारा, उसकी लंबाई कितनी थी, उसकी 50 से 150 किलोमीटर तक थी। ठीक, और उस पर 50 किलोमीटर थी लॉन्ग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक, इस मीडियम में 50 से 150 किलोमीटर तक थी, और इसका वोल्टेज 20 kV से अधिक और 100 kV से कम था, और इसमें हमने तीनों लाइन पैरामीटर को कंसिडर करा था। इसी प्रकार लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन थी, उसकी लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक होती है, और उसका वोल्टेज, लाइन वोल्टेज 100 kV से अधिक होता है। ठीक, 100 किलोवोल्ट से अधिक होता है, उसमें भी तीनों लाइन पैरामीटर कंसीडर किए जाते हैं। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे हम, ये क्या क्या होते हैं और कौन से कितने कितने होते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन की पूरी लंबाई में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक, ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी पूरी लंबाई में, पूरी लेंथ में, उसकी पूरी लंबाई में क्या होता है, जितनी भी लंबी हमारी लाइन है उसमें क्या रहती है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस एक समान रूप से यूनिफॉर्मली वितरित रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, एक समान रूप से पूरी लंबाई में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस सीरीज पैरामीटर होते हैं, जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है ये सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सीरीज पैरामीटर होते हैं। और कैपेसिटेंस क्या होता है, शंट पैरामीटर होता है। बात समझ में आई, कैपेसिटेंस शंट पैरामीटर होता है, और रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सीरीज पैरामीटर होता है ट्रांसमिशन लाइन का, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का। और ये तीनों क्या होते हैं, पूरी लंबाई पर एक समान रूप से वितरित होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, चलो मान लीजिए हमारी कोई ट्रांसमिशन लाइन है, ये सेंडिंग एंड है। सेंडिंग एंड मतलब जहाँ से वोल्ट, जहाँ से हमारी पावर भेजी जा रही है, ये जनरेटिंग स्टेशन है। मान लो ये सेंडिंग एंड वोल्टेज है, जनरेटिंग स्टेशन पर वोल्टेज VS मान लिया हमने, और ये हमारा रिसीविंग एंड है, जहाँ तक भेजी जा रही है, जहाँ रिसीव करी जा रही है पावर। तो ये लोड है, मान लीजिए जहाँ पर रिसीव करी जा रही है, तो ये इसके अक्रॉस वोल्टेज VR है, मतलब रिसीविंग एंड वोल्टेज। और ये R और L जो हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं। ये देखो सीरीज पैरामीटर है, तो ये सीरीज में है, तो ये पूरी लंबाई पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक, और ये कैपेसिटेंस है, ये शंट पैरामीटर है। बात समझ में आई, ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगी पूरी लंबाई पर। बात समझ में आ गई, तो ये क्या होते हैं, हमारे लाइन पैरामीटर कहलाते हैं। ठीक, ये रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है, ये सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं यूनिफॉर्मली पूरी लंबाई पर लाइन की। और ये कैपेसिटेंस है, ये शंट पैरामीटर होता है। ठीक है, ये भी पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। और ये हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज, जहाँ से हम पावर को सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, उसका वोल्टेज है। और ये रिसीविंग एंड, जहाँ पर रिसीव कर रहे हैं पावर को, ले रहे हैं। ठीक, उसके अक्रॉस वोल्टेज VR, मतलब रिसीविंग एंड वोल्टेज, ये सेंडिंग एंड वोल्टेज। बात समझ में आ गई, तो ये हमने क्या है, इसका सम करके दिखा दिया। इसको अगर हम छोटा करके बनाएं तो ऐसे बनाएंगे, तो सम कर दिया हमने। ठीक, इसका, ठीक है, चलो। तो सबसे पहला पैरामीटर है हमारा इसका रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक, रेजिस्टेंस क्या होता है, तो चलो पहला ये देख लो, ट्रांसमिशन लाइन दिखाई गई है, उस पर हमने ये डिस्ट्रीब्यूट दिखाए गए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट दिखाई गई हैं सारी चीज़ें। बात समझ में आ गई, ये उसको हमने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक, चलो, तो पहला पढ़ेंगे हम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरामीटर है इसका पहला रेजिस्टेंस। ठीक, तो ठीक है, देखते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग होने वाले कंडक्टर का वह गुण जिसके कारण वह करंट का विरोध करता है। ठीक, रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस करंट का विरोध करता है। तो क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन की बात हो रही है यहाँ पे, तो ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर यूज़ होगा उसका वह गुण जिसके कारण वह कंडक्टर
विद्युत धारा का इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करता है या उसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है वह क्या कहलाता है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहलाता है। बात समझ में आ गई? ठीक, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहलाता है, इसका मात्रा भी ओम होता है। ठीक, रेजिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन की पूरी लंबाई पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ठीक है, ये क्या रहता है, पूरी लंबाई पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है और ये सीरीज पैरामीटर है। क्या है सीरीज पैरामीटर? इसका फॉर्मूला होता है R=ρL/A ओम। ठीक, इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस। देखते हैं अब ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंस की निर्भरता, मतलब ट्रांसमिशन लाइन का जो रेजिस्टेंस है किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक, किन किन चीज़ों पर ये निर्भर करता है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, तो हम फॉर्मूले से ही दिख रहा है क्या है, ये रेजिस्टेंस क्या है, लंबाई के कंडक्टर की या चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है, जब चालक की लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, चालक की लंबाई कम होगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक, चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है तथा लंबाई घटने से प्रतिरोध घटता है। लंबाई को शॉर्ट में लिख दिया। ठीक, बात समझ में आ गई? तो रेजिस्टेंस क्या होता है, जो चालक यूज़ होता है ट्रांसमिशन लाइन में उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, घटेगी तो घटेगा। ठीक है, ये पहला हो गया निर्भरता। सेकंड क्या है, ये क्या होता है, रेजिस्टेंस जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना कंडक्टर का, उसके व्युत क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, क्या होता है, कंडक्टर के एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब एरिया बढ़ेगा तो ये घटेगा और एरिया घटेगा तो ये बढ़ेगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब चालक का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है तथा चालक का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। ठीक, यही होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। बात समझ में आ गई? थर्ड है, इसको बोलते हैं विद्युत रोधकता या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोधकता के या रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। ये क्या होता है, चालक की प्रकृति पर, जे ये हमारी जो प्रतिरोधकता है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये चालक की नेचर पर निर्भर करेगी कि किस टाइप का चालक है। कॉपर होगा उसके लिए अलग होगा, ठीक है, अगर हमारा एल्युमिनियम होगा एल्युमिनियम के लिए इसका मान अलग होगा, तो अलग अलग पदार्थ के लिए इसका मान अलग अलग होता है। ठीक, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, तो ये हमारे रेजिस्टेंस के समानुपाती होता है। तो चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब रेजिस्टेंस चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि ये जो है ना प्रतिरोधकता, ये चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है कि किस टाइप का चालक है। तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस हमारा चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, चालक की प्रकृति के समानुपाती होता है। ठीक, हमारा क्या कॉपर के लिए अलग होगा, हमारा एल्युमिनियम के लिए अलग होगा, स्टील के लिए अलग होगा। ठीक, तो उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है तापमान। ठीक है, तो तापमान बढ़ने पर, देखो क्योंकि यहाँ पे हम भाई ट्रांसमिशन लाइन में चालक यूज़ करते हैं, कुचालक या अर्धचालक यूज़ नहीं करते हैं ना, ट्रांसमिशन लाइन में चालक तो यूज़ करते हैं कंडक्टर, तो तापमान का इफेक्ट क्या पड़ेगा, इस ट्रांसमिशन लाइन के चालक के प्रतिरोध पर, तापमान बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है। तो तापमान जब बढ़ेगा ना, तो चालक का प्रतिरोध कंडक्टर का, ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, तापमान बढ़ने पर, बात समझ में, क्योंकि चालक है ना, तो चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है, स्किन इफेक्ट। तो एक तो इफेक्ट होता है स्किन इफेक्ट, ये क्या होता है, अभी बताएंगे होता क्या है, अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन स्किन इफेक्ट बढ़ने से क्या होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई, स्किन इफेक्ट बढ़ने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक, स्किन इफेक्ट बढ़ने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है और स्किन इफेक्ट क्या होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई, इसको अभी हम देखते हैं क्या होता है ये। ठीक, स्किन इफेक्ट और स्किन इफेक्ट बढ़ने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे स्किन इफेक्ट, ये होता क्या, स्किन इफेक्ट होता क्या। ठीक, ये पढ़ेंगे। तो स्किन इफेक्ट क्या होता है, डीसी लाइन में करंट कंडक्टर की प्रत्येक लेयर पर, कंडक्टर क्या है, किसी मटेरियल का बनाना तो कई सारी उसको हम लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो क्या होता है, जो अगर डीसी करंट होती है, डीसी लाइन है हमारी, डीसी ट्रांसमिशन लाइन है, तब क्या होगा, तो डीसी लाइन में क्या होता है,
करंट जो है कंडक्टर की प्रत्येक लेयर पर अर्थात अर्थात पूरे एक्स सेक्शनल मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया पर एक समान रूप से फ्लो होती है। ठीक, अगर बात करते हैं हम डीसी की, तो डीसी क्या होती है, कोई चालक होता है, उस चालक की प्रत्येक लेयर पर या पूरे पूरे अर्थ पूरे उसके एरिया पर पूरे उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर अगर डीसी करंट की बात करें, तो डीसी करंट क्या कहती है, कोई चालक है, मान लो ये मेरा कोई चालक है, ठीक, कोई ये चालक है, ठीक, ये मेरा कोई चालक है, ठीक है, तो डीसी करंट कैसे फ्लो होगी, डीसी करंट इसके पूरे एरिया पर, ये जो पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना पूरे एरिया पर एक समान रूप से फ्लो होती है, तो पूरे एरिया पर एक समान रूप से फ्लो होगी। ठीक है, जितनी करंट यहाँ होगी उतनी ही करंट बीच में होगी, उतनी ही करंट यहाँ होगी। ठीक है, तो पूरे एरिया पर एक समान रूप से करंट हमारी फ्लो होगी, कौन सी, डीसी करंट। ठीक है, कहीं एक जगह कॉन्सनट्रेट नहीं होगी कि बीच में सबसे ज़्यादा फ्लो हो और यहाँ कम फ्लो हो, या फिर ऊपर और ये लेयर पर जो है आउटर लेयर पर ज़्यादा फ्लो हो, कॉन्सनट्रेट ज़्यादा हो जाए और बीच में करंट फ्लो कम हो, ऐसा डीसी में नहीं होता। डीसी में क्या होता है, पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पर एक समान रूप से यूनिफॉर्मली ये क्या होती है, फ्लो होती है। ठीक है, बस हम आगे डीसी की बात करेंगे तब। लेकिन जब जबकि एसी लाइन में करंट कंडक्टर के संपूर्ण क्रॉस सेक्शनल एरिया पर एक समान रूप से फ्लो नहीं होती है। ठीक है, डीसी में क्या होता है, पूरे एरिया पर एक समान रूप से फ्लो होगी, हर जगह ऊपर आउटर लेयर पर सेंटर पे हर जगह। ठीक, लेकिन एसी में क्या होता है, पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पर समान रूप से फ्लो नहीं होती है, बल्कि आउटर लेयर पर अधिक फ्लो होती है। क्या होता है, मान लो ये हमारा कोई कंडक्टर है, ठीक, ये कोई कंडक्टर है मेरा, ठीक है, तो एसी अगर हम एसी सप्लाई देंगे इसे, तो क्या होगा, पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पर एक समान रूप से फ्लो ना होकर क्या है, आउटर लेयर की ओर अधिक फ्लो होती है। मतलब क्या है, आउटर लेयर ये जो है ना, ये यहाँ पर करंट अधिक फ्लो होगी, कॉन्सनट्रेशन आउटर लेयर पर अधिक बढ़ जाएगा, यहाँ बहुत कम करंट फ्लो होगी। बात समझ में आ गई, सेंटर में बहुत कम या ना के बराबर करंट फ्लो होगी एसी कंडीशन में, एसी की कंडीशन में, और जो आउटर लेयर है इस पर करंट ज़्यादा फ्लो होगी, यहाँ पर कॉन्सनट्रेट हो जाएगी सारी करंट आउटर लेयर पर, हमारी करंट जो है कॉन्सनट्रेट हो जाएगी एसी की कंडीशन में, और अंदर जो है सेंटर में क्या है, बहुत करंट कम या ना के बराबर करंट फ्लो होगी। ठीक है, एसी की बात करें, एसी में, बात समझ में आ गई, लाइन कंडक्टर में एसी करंट का आउटर लेयर की ओर कॉन्सनट्रेट होने का गुण। तो ये जो लाइन कंडक्टर में जो एसी करंट आउटर लेयर पर जो कॉन्सनट्रेट हो जाती है, ठीक है, कॉन्सनट्रेट हो जाती है आउटर लेयर पर, कॉन्सनट्रेट हो जाती है, अंदर बहुत कम या ना के बराबर रहती है। तो इस प्रकार एसी करंट का कंडक्टर के आउटर लेयर की ओर कॉन्सनट्रेट होने का गुण स्किन इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये जो गुण होता है ना कि आउटर लेयर पर हमारी एसी करंट ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा कॉन्सनट्रेट हो जाती है, और अंदर या बीच में ना के बराबर या बहुत कम होती है, तो यह गुण क्या कहलाता है, एसी करंट का यह गुण, जिसके कारण वह कंडक्टर के आउटर लेयर पर अधिक कॉन्सनट्रेट हो जाती है और बीच में ना के बराबर होती है या बिल्कुल नहीं होती है। ठीक, तो यह गुण क्या कहलाता है, स्किन इफेक्ट कहलाता है। बात समझ में आ गई, यही स्किन इफेक्ट या त्वचा प्रभाव कहलाता है, त्वचा, ठीक है, इशू कहते हैं स्किन इफेक्ट। ठीक, स्किन इफेक्ट क्लियर हो गया। तो देखो, हमने दिखाया ये कोई मान लो कंडक्टर है हमारा, ठीक है, ये क्या कंडक्टर है। ठीक, अब ये क्या है, ये करंट दिखा दिए, तो ये आउटर लेयर पर हमारी करंट क्या है, कॉन्सनट्रेट हो गई। एसी की बात कर रहे हैं, एसी में क्या है, आउटर लेयर पर करंट कॉन्सनट्रेट हो गई और अंदर जो है करंट फ्लो नहीं हो रही, अंदर कोई करंट नहीं है। ठीक, तो हमने दिखा दिया, देखो ये कोई कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया, अंदर क्या है, नो करंट फ्लो, अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है एसी करंट, लेकिन आउटर लेयर पर करंट फ्लो ओवर द सरफेस, मतलब सरफेस के ऊपर करंट फ्लो हो रही है, आउटर लेयर पर करंट फ्लो हो रही है, अंदर जो है कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो यही इफेक्ट क्या कहलाता है, यही गुण क्या कहलाता है, यही कहलाता है हमारा स्किन इफेक्ट। ठीक, अब देखो स्किन इफेक्ट बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है, वो सॉरी हाँ स्किन इफेक्ट बढ़ने पर क्या बताया था हमने, रेजिस्टेंस, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक, स्किन इफेक्ट बढ़ने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, अब ये देख लेते हैं हम क्यों बढ़ता है। अब देखो अगर डीसी की बात करें, ये डीसी की बात कर रहे हैं, मान लो कोई कंडक्टर है, डीसी करंट हमने फ्लो कराई, तो चलो ये खराब हो गया,
ठीक, ये कोई कंडक्टर है, डीसी करंट फ्लो करा रहे हैं, तो पूरे कंडक्टर में एक समान रूप से हमारी डीसी करंट फ्लो हो रही है। बात समझ में आई? पूरे कंडक्टर में एक समान रूप से हमारी डीसी करंट फ्लो हो रही है, ठीक। ये नहीं कि यहाँ पर ज़्यादा हो गई करंट, ये नहीं कि आउटर लेयर पर ज़्यादा हो गई, बीच में बहुत कम हो गई, ये यहाँ ज़्यादा हो गई, यहाँ कम हो गई, पूरे एरिया पर, कंडक्टर के पूरे एरिया पर अगर डीसी सप्लाई देंगे तो पूरे एरिया पर एक समान रूप से करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इस कंडक्टर का हम पूरा एरिया यूज़ कर रहे हैं। बात समझ में आई? क्योंकि डीसी में कंडक्टर के पूरे एरिया पर समान रूप से करंट फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब इस कंडक्टर का संपूर्ण एरिया, सारा एरिया हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर एरिया हम मान ले रहे हैं क्या है, ए है। बात समझ में आ गई? लेकिन एसी की कंडीशन में क्या हो रहा है, एसी की कंडीशन में ये वाला एरिया यूज़ नहीं हो रहा है, ये बीच वाला एरिया, इतना एरिया हमारा, ये जो है एसी की कंडीशन में आउटर पर हमारी क्या है, कॉन्सनट्रेट हो गई करंट। बात समझ में आई? अंदर वाला एरिया ये यूज़ नहीं हो रहा है, तो केवल हमारा बाहरी एरिया, ये बाहर की लेयर यूज़ हो रही है, तो एरिया हमारा घट के, एरिया हमारा घट के इतना घट गया। बात समझ में आई? तो इस वाले से माइनस करेंगे हम ये वाला एरिया, पूरे एरिया से माइनस करेंगे, ये पूरा कंडक्टर का एरिया है, इस पूरे कंडक्टर के एरिया से जो एरिया हमारा यूज़ नहीं हो रहा है, इस वाले को माइनस कर दोगे तो ये ऊपर वाला एरिया बचेगा। इसका मतलब एरिया हमारा जो यूटिलाइज एरिया हो रहा है कंडक्टर का, जो सरफेस हमारा यूज़ हो रहा है, वो कम हो गया। बात समझ में आई? तो एरिया यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं कंडक्टर का, वह कम हो गया। क्यों? क्योंकि भाई एरिया यूज़ करने का मतलब क्या, जितने एरिया में करंट फ्लो हो रही है वही तो यूज़ हो रहा है। डीसी में पूरे एरिया में हो रही है तो पूरा एरिया यूज़ हो रहा है, लेकिन एसी में केवल आउटर लेयर पर, ठीक है, हमारे कंडक्टर के सरफेस पर केवल करंट फ्लो हो रही है। तो इसका मतलब जो यूटिलाइज एरिया है वो कम हो गया। तो एरिया कम हो गया, तो जब एरिया हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बात समझ में आई? तो यहाँ पे एरिया कम हो गया तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? तो स्किन इफेक्ट बढ़ने से क्या होता है, एरिया हमारा कम होता है, तो एरिया जब कम होगा तो प्रतिरोध जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब स्किन इफेक्ट के कारण प्रतिरोध, अब समझ में आई, स्किन इफेक्ट बढ़ने से कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इफेक्टिव एरिया यहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है। अब बात समझ में आ गई? कंडक्टर का वो स्किन इफेक्ट बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव एरिया कम हो गया। यहाँ पर हम डीसी की कंडीशन में पूरा एरिया यूज़ हो रहा था, पूरा एरिया हम यूज़ कर रहे थे डीसी की कंडीशन में। बात समझ में आई? लेकिन एसी की कंडीशन में क्या है, इफेक्टिव एरिया पूरा ना यूज़ होकर केवल आउटर लेयर यूज़ हो रही है, तो इफेक्टिव एरिया जो यूज़ हो रहा है हमारा, यूटिलाइज इफेक्टिव एरिया कम हो गया। तो इसका मतलब जैसे जैसे हमारे स्किन इफेक्ट बढ़ेगा तो एरिया कम हो जाएगा, और एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार स्किन इफेक्ट बढ़ने से हमारा एरिया जो है वो, सॉरी, स्किन इफेक्ट बढ़ने से हमारा रेजिस्टेंस कंडक्टर का बढ़ जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो चलो देखते हैं ये जो हमारा स्किन इफेक्ट होता है किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो स्किन इफेक्ट की निर्भरता किन किन चीज़ों पर स्किन इफेक्ट निर्भर करता है, तो सबसे पहला है हमारा नेचर ऑफ कंडक्टर मटेरियल। कंडक्टर मटेरियल के नेचर पर निर्भर करता है कि किस टाइप का हमारा कंडक्टर मटेरियल है, ठीक है। ठीक, तो हमारा जो है स्किन इफेक्ट सबसे पहले किस चीज़ पर निर्भर कर रहा है कि कंडक्टर मटेरियल का नेचर कैसा है। बात समझ में आ गई? उसके बाद डायामीटर ऑफ कंडक्टर वायर, जो कंडक्टर वायर हम यूज़ कर रहे हैं, स्किन इफेक्ट की बात हो रही है, स्किन इफेक्ट की निर्भरता, ठीक है, स्किन इफेक्ट की निर्भरता, ठीक है, स्किन इफेक्ट की निर्भरता की बात हो रही है कि स्किन इफेक्ट किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। ये हमने बीच में एक टॉपिक निकाला है स्किन इफेक्ट, वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या है, डायामीटर ऑफ कंडक्टर वायर, जो कंडक्टर वायर का डायामीटर है, ठीक, उस पर निर्भर करता है। उसके क्या होता है, ये उसके स्क्वायर के, ये जो पूरा डायामीटर है ना, डाया व्यास बोलते हैं हिंदी में, इसके स्क्वायर के समानुपाती होता है स्किन इफेक्ट। मतलब हल्का सा डायामीटर बढ़ेगा तो हमारा स्किन इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? तो ये क्या होता है, कंडक्टर वायर के डायामीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमारा डायामीटर बढ़ेगा, हल्का सा बढ़ेगा तो स्किन इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। इंक्रीज विद स्किन इफेक्ट इंक्रीज विद डायामीटर ऑफ वायर, मतलब डायामीटर वायर का डायामीटर बढ़ने पर हमारा स्किन इफेक्ट बढ़ता है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्या है,
फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है, ठीक, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी। तो देखो भाई डीसी में क्या होती है, डीसी में हमारे जीरो फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, तो जीरो फ्रिक्वेंसी के कारण डीसी में स्किन इफेक्ट जीरो होता है, बात समझ में आई। स्किन इफेक्ट फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी मतलब फ्रिक्वेंसी के बढ़ने पर हमारा स्किन इफेक्ट बढ़ता है। अब देखो डीसी में फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, जीरो होती है, तो वहाँ पर स्किन इफेक्ट जीरो है। अब जैसे ही हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे, तो एसी में कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी है, हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज़ है, ठीक, तो जैसे ही हम जीरो से फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो हमारा स्किन इफेक्ट, यहाँ पे स्किन इफेक्ट हमारा क्या आएगा, एक फिगर में एक स्किन इफेक्ट आ जाएगा, ठीक, स्किन इफेक्ट यहाँ पे एक हमारा एक इफेक्ट उत्पन्न होगा। जैसे ही हम जीरो से एसी की ओर जाएंगे, डीसी से एसी की ओर जाएंगे, तो एक इफेक्ट क्रिएट होगा जिसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट, ठीक। तो जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी भाई डीसी की जीरो है तो जीरो स्किन इफेक्ट है, अब हमने जीरो से फ्रिक्वेंसी बढ़ाई तो स्किन इफेक्ट बढ़ गया, तो 50 हर्ट्ज़ पर फिर कुछ ना कुछ स्किन इफेक्ट होगा। तो फ्रिक्वेंसी ऐसी और बढ़ाएंगे तो स्किन इफेक्ट और बढ़ता जाएगा, 60 हर्ट्ज़ पर हमारा और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए क्या है, फ्रिक्वेंसी जीरो होने पर डीसी में स्किन इफेक्ट जीरो होता है, क्योंकि एसी की कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होती है, तो एसी में हमारा स्किन इफेक्ट रहता है, ठीक। तो इस अगर फ्रिक्वेंसी को और बढ़ाएंगे तो हम फिर हमारा स्किन इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है सेव ऑफ कंडक्टर वायर, मतलब कंडक्टर के वायर की बनावट पर, उसके डिजाइन पर निर्भर करता है। शेप ऑफ कंडक्टर वायर की, कंडक्टर वायर का शेप किस प्रकार का है, तो ये दिखा रहा है लेस फॉर स्टैंडर्ड कंडक्टर, जो स्टैंडर्ड कंडक्टर होते हैं उनके लिए स्किन इफेक्ट कम होता है। स्टैंडर्ड कंडक्टर होते हैं भाई, जो हमने ACSR कंडक्टर पढ़ा था, बीच में एक स्टील वायर, स्टील की रॉड होती है और चारों ओर एल्युमिनियम के वायर होते हैं, ये हमने ACSR कंडक्टर पढ़ा था ना, इस तरीके से कंडक्टर एक पड़ा था कंडक्टर मटेरियल में, तो इसको बोलते हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर, ठीक है। कई सारी स्ट्रैंड होती है ना यहाँ पे भाई, बीच में एक रॉड होती है स्टील की और यहाँ पे कई सारी स्ट्रैंड होती हैं एल्युमिनियम वायर की, तो इसको बोलते हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर, ठीक। तो स्ट्रैंडेड कंडक्टर जो हम यूज़ करते हैं ACSR कंडक्टर, उसमें क्या होता है, हमारा स्किन इफेक्ट कम होता है, बात समझ में। इसीलिए एक हमारा देखो ACSR कंडक्टर का एक फ़ायदा या स्ट्रैंडेड कंडक्टर एक फ़ायदा ये हो गया कि इसमें स्किन इफेक्ट कम होता है, ठीक। तो ACSR कंडक्टर होते हैं इस प्रकार के कंडक्टर, इन्हें बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर, और मोर फॉर सॉलिड कंडक्टर। अगर सॉलिड कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं इस प्रकार का, एक मोटा इतना ही मोटा, एक इतनी मोटाई का, एक इतनी डायमीटर का एक सॉलिड कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा, बात समझ में आई। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर में इसमें स्किन इफेक्ट कम होगा और सॉलिड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो ये हो गई हमारी स्किन इफेक्ट की निर्भरता, ठीक। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ लाइन रेजिस्टेंस, लाइन रेजिस्टेंस का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है, ठीक। ट्रांसमिशन लाइन पर जो रेजिस्टेंस होता है, लाइन रेजिस्टेंस, उसका क्या सिग्निफिकेंस पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले होता है पावर लॉस बढ़ती है, ठीक भाई, रेजिस्टेंस के बढ़ने से पावर लॉस बढ़ती है। तो हमें मालूम है पावर लॉस का फॉर्मूला होता है I² × R, ये होता है ना, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर लॉस बढ़ेगी, ठीक। तो रेजिस्टेंस बढ़ने पर पावर लॉस बढ़ती है। दूसरा क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, बात समझ में आ गई, पावर लॉस बढ़ेगी और हमारा रेजिस्टेंस बढ़ने पर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, ठीक। वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने के कारण, जब वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ेगा, ठीक भाई, जाहिर सी बात है। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप अपॉन रिसीविंग एंड वोल्टेज, यही तो होता है। तो वोल्टेज ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक, वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ेगा, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन बेकार हो जाएगा, चीप हो जाएगा, ठीक। जितना कम वोल्टेज रेगुलेशन होता है उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन हमारा बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने पर वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ेगा। ये हमने हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में भी देखा था कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के क्या लाभ होते हैं, ठीक। तो वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हमारा कम हो रहा था तो वोल्टेज रेगुलेशन हमारा घट रहा था, इसका मतलब अच्छा हो रहा था। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहा है तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन घट रहा है। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला ये होता है, देखो, वोल्टेज ड्रॉप अपॉन रिसीविंग एंड वोल्टेज इंटू 100, ये परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ेगा, वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है, कम ही अच्छा रहता है ये, वो अभी बताएंगे क्यों आगे जब पढ़ेंगे। जब भाई हमारे जाहिर सी बात है लॉसेज बढ़ेंगी, जब लॉसेज बढ़ेंगे तो इफ़िशेंसी भी बेकार हो जाएगी, इफ़िशेंसी घट जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या, पावर फैक्टर बढ़ता है, पावर फैक्टर बढ़ जाएगा, ये एक फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है R/Z, रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस, ठीक है। तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ने पर पावर फैक्टर बढ़ जाएगा, ठीक।
तो ये एक फ़ायदा हो गया हमारा कि पावर रेजिस्टेंस बढ़ने पर पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, प्रतिबाधा बढ़ती है। ये प्रतिबाधा मतलब इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है जेड स्क्वल टू आर स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि इंडक्टेंस भी होता है और कैपेसिटेंस भी होता है ट्रांसमिशन लाइन में, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा इम्पिडेंस का, ठीक, प्रतिबाधा का। तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ने से प्रतिबाधा बढ़ती है, बात समझ में आ गई। तो ये क्या था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ लाइन रेजिस्टेंस। तो हमने क्या ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर में पहला पढ़ा था लाइन रेजिस्टेंस, ठीक, और उसमें हमने देखा था स्किन इफेक्ट क्या होता है, स्किन इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है और वो किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है, ठीक। तो ये हमने लाइन रेजिस्टेंस का सिग्निफिकेंस देख लिया और ये देख लिया कि क्या होता है वो और किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, बात समझ में आ गई। चलिए कल हम नेक्स्ट आगे का पढ़ेंगे, ठीक, थैंक यू।